नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एम विद राकेश पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलेगा तो आज हिंदी का खेला शुरू होने जा रहा है आप सभी के लिए, यूपी के महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए, है ना, हिंदी का खेला शुरू होने जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है UPSI, है ना, UPPCS, RO, UPSSSC, PET हो आपका, या फिर आपका UPTET, या फिर आपका SuperTET, सभी में जो एक हिंदी है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो उसी महत्वपूर्ण रोल को बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और वो कहा भी जाता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, है ना। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी अंदाज में शुरू किया जाएगा। मैं सभी एक तरफ से बताऊंगा आपको, ठीक है, एक तरफ से बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, किस तरह से हमें पढ़ना है इन सभी एग्जामों के लिए। और इन सभी एग्जामों के लिए आपकी डेली क्लास स्टार्ट कर दी गई है, आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोग तैयार हो जाइए बेहतरीन से। अभी अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो आज से ही शुरुआत कर लो मेरे साथ में आप सभी, है ना, और हिंदी में धुआं धुआं मचा दोगे, है ना, गजब का पेपर करके आओगे। चलेगा तो देखो, एक तरफ से आप सभी को बताऊंगा मैं सबसे पहले UPSI का, ठीक है, उसके बाद में UPPCS, RO, उसके बाद में UPSSSC, PET और उसके बाद में UP SuperTET। ये सभी एग्जाम महत्वपूर्ण रहते हैं हिंदी के नज़र से देखा जाए तो, है ना। हिंदी इन एग्जामों में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है जिससे कि आपको, है ना, फर्श से लेकर अरश तक पहुंचा सकती है हिंदी ही। तो हिंदी को कमज़ोर मत समझना, है ना, बेहतरीन करना मेरे साथ में और बहुत शानदार बनाना है आप सभी को। एक एक करके समझेंगे हम सभी को पैटर्न को कि किस तरह से पढ़ना है, कितने नंबर मार्क्स का आएगा, ठीक है, कितना टाइम मिलेगा हमें इसमें, बहुत शानदार तरीके से। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ में। देखो सबसे पहले अगर मैं UPSI की बात करता हूँ, किसकी, UPSI दरोगा बनने वाले मेरे साथियों, UPSI की बात करूँ तो जो सामान्य हिंदी है ये 100 अंक की रहती है आपकी, 100 अंक की रहती है, है ना, एक मजबूत पक्ष बना के अपने खड़ी रहती है सामान्य हिंदी दरोगा भर्ती परीक्षा में। तो देखिएगा सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ, उसके बाद में हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी हिंदी व्याकरण के संबंधित जो भी मौलिक ज्ञान वगैरह है इसके अंतर्गत वो पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर भाषाएं वगैरह, भारतीय भाषाएं वगैरह बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ स्पेशल है। उसके बाद में वर्णमाला, उसके बाद में तद्भव तत्सम, फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक, है ना, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है। इसके बाद में है आपका लिंग वचन कारक, इसके बाद में जो आपको पढ़ना है वो है लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, ठीक है। उसके बाद में है उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास, समासों के बाद में विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार, ठीक है, रस छंद अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ। देखो बहुत वाइड सिलेबस है आपका ये, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, लेकिन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, याद कराऊंगा क्लास में ही ट्रिक के माध्यम से। और हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक है, विविध वगैरह, विविध में जो है आपका, इसमें आपका करंट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, करंट वाला जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, हिंदी में जो करंट से संबंधित है वो आपके विविध में जुड़ जाएगा। तो ये जो पूरा सिलेबस है ये है आपके दरोगा भर्ती UPSI परीक्षा का, ठीक है। एक बार फिर से नज़र देखिए आप एक बार, ये पूरा जो सिलेबस है ये है आपका हिंदी का UPSI का, ठीक है, 100 मार्क्स का, 100 नंबर का रहने वाला है, महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है और बेहतरीन कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। जब शुरुआत होगी कल से तब देखना एकदम ज़बरदस्त। और भी कुछ खास है, ये तो होता है आपके UPSI का। अब बात करते हैं UPPCS का, RO में, तो देखो RO में जो है आपका ये एक घंटे का पेपर होता है आपका, 60 मार्क्स हिंदी वाला बता रहा हूँ मैं, केवल और केवल हिंदी का, बाकी का राकेश सर बताएंगे आपको पूरा, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ आज। तो एक घंटे और 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही मार्क्स के होंगे आपके, ठीक है, कितने के, 60 मार्क्स के ही होंगे और टाइम कितना होगा तो 60 मिनट ही आपका टाइम होगा, यानी एक घंटे आपका समय होगा, जिसमें आपको विलोम शब्द,
ठीक है, इसमें 10 शब्द होंगे विलोम शब्दों के, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के भी आपके 10 मार्क्स होंगे। उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए भी 10 मार्क्स। उसके बाद में तत्सब और तद्भव शब्द 10 मार्क्स। देखो हमें पढ़ना वो बेहद जरूरी है जो पेपर में पूछा जाना है, उसके अलावा अगर आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो कोई मतलब नहीं है। तैराकी जो होता है वो उसे पता है कि किस डायरेक्शन में तैरना है मुझे, ठीक है, और कैसे तैरना है मुझे। अगर आपको तैराकी नहीं आती है तो आप हाथ पैर फड़फड़ाओगे तो उसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा और गहरे ही जाओगे आप, ठीक है। तो किनारे पे पार उतरना है, है ना, किनारे पर पार उतरना है तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा आप सभी को, चलेगा। उसके बाद में विशेष और विशेषण, और उसके बाद में पर्यायवाची शब्द, ये सभी आपके 10-10 मार्क्स के हैं। टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है, टोटल मिलाकर के 60 मार्क्स के हो जाते हैं। धुआं धुआं कर दोगे आर ओ आर ओ में, ठीक है, धुआं धुआं मचा दोगे। जब भी पेपर दे के आओगे तब कहोगे कि हाँ कहाँ से पढ़ के गए थे, मज़ा आ गया सर जी, सेम टू सेम क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आर ओ आर ओ में आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ये आर ओ और ए आर ओ में देखने को मिलेंगी। इसके बाद में बात करता हूँ मैं यूपी ट्रिपल एस सी पी टी हिंदी सिलेबस की, यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी परीक्षा जो होने जा रही है उसमें हिंदी सिलेबस की बात करता हूँ मैं, ठीक है, किसकी, हिंदी सिलेबस की बात करता हूँ। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 5 मार्क्स का है, कितने का, 5 मार्क्स का, और इधर वाला जो सेकंड वाला पोर्शन है ये आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है, ध्यान से समझना ये सारी चीज़ें। ये 10 मार्क्स का है, ये आपका 5 का इधर का, और इधर वाला जो पोर्शन है इसका 10 मार्क्स का है। अब 5 का क्या है 10 का क्या है, देखो संधि हो गई आपके, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है, जो प्रसिद्ध लेखक और रचनाएं वगैरह हैं उनकी गद्य और पद्य दोनों में ये दोनों ही पूछी जाएंगी। इतना मिलाकर के आपका 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद में मैं आगे बात करूँ तो आपके अपठित हिंदी गद्यांश, ठीक है, इसका विवेचन और विश्लेषण, और कितने गद्यांश होंगे तो 2 गद्यांश होंगे, कितने होंगे 2 गद्यांश होंगे, और प्रत्येक पर कितने होंगे 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, 2 गद्यांश होंगे और प्रत्येक में कितने होंगे तो 5 प्रश्न होंगे, ध्यान से देखना इस चीज को, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। आगे बात करते हैं, आगे है आपका यूपी सुपर टेट का, आगे है आपका यूपी सुपर टेट का, देखो बहुत सारी चीजें हैं। 40 मार्क्स का आता है आपका भाषा हिंदी, भाषा जो होती है आपकी अंग्रेजी हो, आपने जो भी चूज की हो, ठीक है, अगर आपने हिंदी भाषा चूज की है तो आप टेंशन खत्म कर दीजिए अपने 40 नंबरों के लिए टेंशन खत्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से व्याकरण हो आपका, अपठित गद्यांश हो या अपठित पद्यांश हो, बहुत बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही क्लास कराई जाएगी आपको इन सभी एग्जामों के लिए, और बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से। अभी भी कुछ खास है, देखो और भी कुछ खास है आप सभी लोगों के लिए, क्या है, ये मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं आप सभी के लिए, प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं आप सभी के लिए बहुत शानदार तरीके से, फुल प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके, एक एक टॉपिक वाइज, वो भी कैसे हैं, चैप्टर वाइज हैं पूरे प्रैक्टिस सेट, बहुत शानदार तरीके से लगवाऊंगा मैं आपको। और ये आपको एम कीर्ति जो ऐप है वहां पर मिल जाएंगे पूरे प्रैक्टिस सेट, एक से लेकर के पूरे प्रैक्टिस सेट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पूरे 30-31 प्रैक्टिस सेट हैं आपको, बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से बनाए हैं, और इम्पोर्टेंट जितनी भी पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उन सभी को लेकर के बनाए गए हैं, ठीक है, इन पर बेहद ध्यान दिया गया है, बहुत मेहनत की गई है इन पर। तो आप सभी लोग देखना इन प्रैक्टिस सेटों को, बहुत शानदार तरीके से हैं जो आपको मिलेंगे, चलेगा। इनको आप एम कृति ऐप से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इनको, ठीक है, चलेगा। और ये था पूरे हिंदी के सिलेबस का, ठीक है, पोस्टमार्टम। तो चलेगा, शुरुआत होगी, ठीक है, तैयार रहना आप सभी साथी, बहुत शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे हम इन सभी चीज़ों को लेकर के। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए, अगली क्लास में मुलाकात होगी आप सभी साथियों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।